चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने दफ्तरों के चक्कर काट रहा है फरियादी। घर से 2.5 लाख का सामान समेट ले गए चोर। शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र में करीब 2 माह पहले हुई एक चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए फरियादी पुलिस थाना सहित दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। बावजूद इसके पुलिस इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। पीड़ित ने मंगलवार को SP ऑफिस में आयोजित जनसुनवाई में आवेदन देकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार महेंद्र पुत्र बादाम सिंह लोधी निवासी चीतीपुर थाना दिनारा ने बताया कि 21 अक्टूबर 2023 की रात मैं खेत पर था, मेरी पत्नी व बच्चे घर पर सो रहे थे, तभी अज्ञात चोरों ने घर के सामने एक कमरे में लगा ताला तोड़कर 56,000 रुपये नकदी, सोने के 2 वाले गले का लॉकेट, झुमके एवं चांदी के 4 चोरी पायल, कुल कीमत 2.5 लाख चुरा कर ले गया। बताया है कि घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। इसकी शिकायत उसने करेरा SDOP को दर्ज कराई, लेकिन 2 माह से ज़्यादा समय गुजर जाने के बाद भी पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है और ना ही चोरी किए गए सामान को बरामद किया है। महेंद्र ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर SP से न्याय की गुहार लगाई है। नाम है तुम्हारा? महेंद्र कुमार लोधी। अरे आज SP ऑफिस आए थे, क्या समस्या लेके आए थे? मेरी 21 अक्टूबर में चोरी हुई थी, तो मैंने 22 अक्टूबर में दिनारा थाने में आवेदन दिया था, जिसके विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना सामान चोरी चला गया था आपका? मेरा 56,000 नकदी, 4 जोड़ी चांदी की पायलें, झुमकी और 2 सोने के लॉकेट, 2 काने के भाले इत्यादि। अच्छा, कुल कीमत कितनी होगी इन सब की? करीब 2.5 लाख के करीब। नकदी मिला के 2.5 लाख रुपए की चोरी हुई। तो पुलिस क्या कहती है? आप थाने जाते तो जाते आवेदन ले लेते, FIR नहीं करते। अच्छा, अभी आप यहाँ SP ऑफिस आए तो क्या आश्वासन दिया आपको? दिया थाने करवा देंगे, हो जाएगा। अच्छा साहब, मैंने करीब थाने में SDOP साहब को भी करेरा दिया था आवेदन, किनारा थाने में 3-4 बार दे चुका हूँ, कोई FIR नहीं, बोल देते अगली बार हो जाएगा। संदेह है आपको? संदेह है ना। उसका नाम भी बताया आपने पुलिस को? हाँ, दिनारा थाने में रमेश लोधी के नाम से मैंने दिया आवेदन दिया। तो ये क्या आपका पड़ोसी है क्या है? नहीं, गांव का है, मैं जो रहता हूँ गांव में रहता है, मैं रोड पे रहता हूँ। अच्छा, वो गांव का ही आप? हाँ, गांव का, मेरे गांव का।